हेलो दोस्तों, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक बेहतरीन बुक की समरी। एक ऐसी बुक समरी जो कि एक बायोग्राफी है ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दम पर दुनिया बदल दी। उस व्यक्ति का नाम है एलोन मस्क। तो आइए एलोन मस्क की जिंदगी की बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इस बुक से, जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। बुक का नाम है एलोन मस्क हाउ द बिलियनियर सीईओ ऑफ स्पेस एक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर। ये बुक लिखी है एस्ले वैंस ने। अध्याय एक, एलन की दुनिया। साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन में डूबे हुए थे क्योंकि इंटरनेट का नशा उतरने लगा था। जब जमाना .com का था, जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी इवेंट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड का काम बचा था। ट्विटर और फेसबुक ने अभी अभी अपने पैर पसारने शुरू किए थे। कुछ लोगों का मानना था कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब ठंडी पड़ चुकी है। एलन मस्क भी इसी डोपामेनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जिप टू बनाया था और $22 मिलियन कमाए थे। जिप टू गूगल मैप्स की ही तरह एक सॉफ्टवेयर था। कॉम्पैक ने जिप टू को 1999 में खरीदा था। एलोन मस्क ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप X.com खोलने के लिए इन्वेस्ट किया, जो बाद में पेपोल बना। और फिर वह जब 2002 में ईबे ने पेपोल खरीदा तो मस्क पहले से ज्यादा अमीर हो गए। मस्क सिलिकॉन के बजाय लॉस एंजलस रहने के लिए चले गए, जहां पर उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी बनाई। उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्रीज में लीड करती हैं। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया। एलन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर एक हो गए। एलन मस्क बाकी टेक्नोलॉजी मिलीनियर से हटकर हैं। उनका सोच विश्वव्यापी है। एलन कहते हैं कि अगर हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ लें, मल्टी प्लानेटरी स्पेसिस बनने की राह में तरक्की कर लें, तो यह वाकई ही बहुत बढ़िया बात होगी। आज मस्क कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, जिसका नेटवर्थ $10 बिलियन है। अध्याय टू, अफ्रीका। मस्क के नाना जोशुआ हेल्डीमैन कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रेटोरिया में सेटल हो गए, मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रिया जाया करते थे। मे हेल्डीमैन और अरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही एलन का जन्म हुआ। एलन का जन्म 28 जून 71 को हुआ। उनके पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं उसकी माँ मे एक डाइटिशियन थी। एलन के अलावा उनके दो बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। एलन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते थे, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड और द हिच हाइकर गाइड्स टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा किताबें थी। उसके पास इंसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क परिवार एक खुशहाल परिवार था। पेट्रोट्रिया में उसके पास बहुत बड़ा घर था, मगर एलन जब 8 साल के हुए तो उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। वे और उसके भाई किम्स अपने पिता के साथ रहने लगे थे। उनके पिता खुश मिजाज नहीं थे, इसलिए एलन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। एलन जब 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा, वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए कंप्यूटर खरीदने की जिद की
और जब उसके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो वह पूरे 3 दिनों में एलन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। एलन अपने भाई किम्बल और कंजन पीटर लेंडन और रस रीवे के बेहद करीबी थे। वे उनके साथ मिलकर होममेड रॉकेट और एक्सप्लोजिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स में जाना और डंजियस और ड्रैगन्स खेलना भी पसंद था। पर जब एलन स्कूल जाने लगे तो वहां उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुए। स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था। एक बार उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। एलन सीढ़ियों पर बैठकर कुछ खा रहे थे जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से एलन सीढ़ियों से गिर पड़े। उसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से उनका बदन सन गया था। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही वो स्कूल जाने लायक हुए। पूरे 4 सालों तक एलन उसी खोप के साये में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही एलन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब एलन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो एलन को निकल भागने का मौका मिल गया था। अध्याय 3, कनाडा। कनाडा में अपने शुरुआती के दिनों में मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह रहने का बंदोबस्त किया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें वे ठीक से जानते तक नहीं थे। इस दौरान मस्क ने कुछ ओड जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना। उनके भाई किम्बल्स भी बाद में उनके पास कनाडा आ गए। साल 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत बदलाव लाए। वे अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उसके क्लासमेट मजाक उड़ाया करते थे। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली वक्त में वे कंप्यूटर ठीक किया करते थे, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। वे अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते थे। उन्होंने और उनके खास दोस्तों ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते थे। जो लोग पार्टी में आते थे उनसे $5 पर हेड के हिसाब से वसूलते थे। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज भी सोचा करते थे। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग सोलर, यानी कि सोलर पावर का महत्व। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताया जो पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावर दे सकती हैं।
मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट के बारे में सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी। मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले ही वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूअल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला समय इन्हीं का होगा। भविष्य में इसका बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में वो प्रॉफिट देख रहे थे। सिलिकॉन वैली फोटोज शेयर करने में बिजी थी और मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 4, एलन का फर्स्ट स्टार्टअप। साल 1994 में किम्बल और एलन ने कई रोड ट्रिप्स साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल्स के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिप टू की शुरुआत। जिप टू येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेसमैन इनलिस्टमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी गई थी। एलन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे। किम्बल्स डोर टू डोर सेल करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि जिप्स टू आखिर है क्या। उन्हें कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में रुचि ली और $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। जिप टू ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड देना शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर एलन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। जिप टू का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी के कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्राम भी रख लिए थे। साल 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ जिप टू सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। मस्क ब्रदर्स का डॉट कॉम का आइडिया एक हकीकत में बदला जब 1999 में कॉम्पैक ने जिप टू को खरीदा। मगर सब कुछ आसान नहीं था। एलन मस्क सीईओ बनना चाहते थे। अध्याय 5, पेपाल माफिया बोश। इस दशक में मस्क कैनेडियन बैकपैकर से एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, वे भी सिर्फ 27 साल में। वे कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट्स कार थी। मस्क अपनी मैकलर्न F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। अब वे इंटर्न कर रहे थे। उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $15 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स का नाम x.com रखा। उनके एक और को-फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो एलन को बाकियों से अलग करती है। वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेवारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरह की डील फायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। जिप टू एक तरफ साफ सुथरा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर x.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं।
मस्क ने जिप टू को एक फायदेमंद इन्वेस्ट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए इंकरेज किया। X.com अब जायज रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे, क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। पेपॉल की शुरुआत। X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपॉल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपॉल को 2,00,000 क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। लेकिन मार्च 2000 में X.com अपने कंपटीटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया। मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी में की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। इम्प्लाइज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग की। मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को सीईओ बनाना चाहते थे। इस दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी है। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपॉल का नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी प्योर थी। उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। अपना स्टॉक बढ़ाकर वे पेपॉल के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक कंपनी बेचने की जल्दबाजी में लगी थी। मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स कराने के लिए मना कर दिया था। पेपॉल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर $240 मिलियन हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपॉल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। PayPal.com बवाल से बचकर निकलना था। ये मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल IPO बनाया था। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपॉल एक विनर बनकर उभरा था। अध्याय 6, स्पेस में चूहा। जून 2001 में एलन मस्क जब अपने 30वें साल में थे, वे और उसकी पत्नी सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलस शिफ्ट हो गए। उनका बनाया पेपॉल एक सफल प्रोजेक्ट था। अब वे अपने स्पेस ट्रेवल और रॉकेट शिफ्ट पर ध्यान दे रहे थे, और इसके लिए लॉस एंजलस से बढ़कर कोई और बढ़िया जगह नहीं थी, क्योंकि वहां का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज से अच्छा था। मस्क ने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांस लाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था, जो अर्थ के चक्कर लगाए, और इसके क्रू मेंबर चूहे बनने वाले थे।
मस्क ने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांस लाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। एक दिन मस्क नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे, उन्हें गहरी निराशा हुई क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। मस्क ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा। उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट का परफॉर्मेंस स्टडी किया। उस वक्त के रॉकेट सिर्फ रशियन बनाते थे। बोइंग और लॉकहीड बहुत ही ज्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट उठा सकते थे। मस्क इनसे कुछ सस्ते रॉकेट बनाना चाहते थे जो रिसर्च और कॉमर्शियल इस्तेमाल के लायक हों। जब ईबे ने पेपॉल खरीदा तो मस्क ने इस डील से $100 मिलियन की कमाई की थी। उन्होंने ये पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मस्क के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजलस के वे लोग भी जुड़े जो स्पेस इंथुजियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक दुखद घटना घट गई। उसकी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम नेवेडा अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बेटा चल बसा। हुआ यूं कि एक रात एलन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर में सुलाया। नावेड गहरी नींद में पीठ के बल सो गया। जब कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स इसे सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। जब तक पैरामेडिक बुलाए गए, दिमागी रूप से बच्चे की मौत हो चुकी थी। उनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बुरी तरह रो रही थी, मगर एलन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जस्टिन को लगता था कि ये मस्क का डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है जिससे उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। उसने कहा कि एलन सदमे में नहीं रह सकते, इसके विपरीत उनकी फितरत ही आगे बढ़ने की है और मुझे लगता है कि ये उनके सर्वाइव करने का तरीका है। मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपल्स को। मस्क ने कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बेहद दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह हमारे भविष्य को नहीं सुधारती। अगर आपके और बच्चे और जिम्मेदारियां हैं तो बीती बातों पर दुखी होने से आपका और आपके अपनों का कोई भला नहीं होने वाला। अध्याय 7, सब कुछ इलेक्ट्रिक। साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्रोवेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील कर दिया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान नहीं था। उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए, मगर हर बार स्ट्रॉल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे एलन मस्क से मिले। मस्क को इलेक्ट्रॉनिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्रॉबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए और उनकी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और लोग भी थे जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। इसमें से ही 2 लोग थे, मार्टिन इब्रहार्ड और नॉर्थ कैलिफोर्निया के मार्क टारपेनिंग। टेक्सला की शुरुआत। जुलाई 2003 में उन्होंने टेक्सला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलस टेक्सला के नाम पर रखी गई थी, जो इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। इब्रहार्ड और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजलस में मस्क को ऑफर की। वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे।
मस्क तो वैसे ही हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के समर्थक थे। इस तरह टेस्ला की शुरुआत हुई। मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेबी स्ट्रैबल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। इस टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाकई में अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं। कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबलिंग संभालती है। वे दिन अब लद के थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनाने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रोडस्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त, एफर्ट्स और पैसा बहुत लगा था। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया, उस वक्त मस्क दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके थे। अध्याय 8, पेन, सफरिंग एंड सर्वाइवल। एलन मस्क पेपॉल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे। प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी। लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलियनर के बारे में और जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार और स्पेसशिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था। कुल मिलाकर वे किसी शोमैन से कम नहीं थे, मगर असलियत में वे परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का कारण थी टेस्ला और स्पेस एक्स की फाइनेंशियल हालात। इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। प्रेस भी उनके फेल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रहा था। और सबसे बढ़कर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने के कगार पर था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोडस्टर को रिक्रिएट करने की जरूरत थी। स्पेस एक्स भी फाल्कन 1 की लॉन्च की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। वे ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे और हफ्ते में 7 दिन ऑफिस में रहते थे। घर में उनका नाता लगभग टूट ही गया था। जस्टिन को लगने लगा था कि वो मस्क की सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है, ना कि लाइफ पार्टनर। जून 2008 में मस्क ने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टिन ने अपना दुख खुलेआम अपने ब्लॉग में व्यक्त किया। वे अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में लिखा करती थी। बिल ली, जो मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, मस्क की दिमागी हालत को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टी बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन में इस ट्रिप में मस्क की मुलाकात तालुलाह रिले से हुई, बाद में उनकी दूसरी पत्नी, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से उनकी ये मुलाकात एक सेटअप थी मस्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए। लंदन की इस पूरी ट्रिप में रिले उसके साथ रही। ये खूब बातें करते थे और डिनर पर भी साथ जाया करते थे। अब मस्क लॉस एंजलस वापस आए तो उनके कुछ ही हफ्ते बाद रिले भी उनके पास आ गई। मस्क ने रिले को बताया कि उनके पहले से ही 5 बच्चे हैं और ये भी कि उनका जल्द ही तलाक होने वाला है। बावजूद इसके मस्क ने रिले को जब प्रपोज किया तो रिले ने हाँ बोल दिया। ये वाकई एक तूफानी रोमांस जैसा था। मस्क को अपनी कंपनियां चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, रिले उन सब परेशानियों की गवाह थी। वो कहती थी, वो खुद किसी मौत की तरह दिखता है। मैं यही सोचती हूँ कि ये इंसान कहीं किसी दिन हार्ट अटैक से ना मर जाए। स्पेस एक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्च पर अब तक 1 मिलियन गवा दिए थे। वहीं टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्चा किया था। दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थी।
मस्क को अपनी कीमती मैकलारेन F1 बेचनी पड़ी, जिस पर उन्हें बहुत नाज था। साल 2008 के आखिरी में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से SpaceX और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। उनकी कंपनी के कुछ इम्प्लाइज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की थी। मस्क को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई पाई जोड़नी पड़ रही थी। इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिसप्लाई कर सके। मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया ताकि स्पेस एक्स को मिल जाए। जहां तक टेस्ला की बात थी, उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स से बात की। उन्होंने अपना बचा खुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया और तो और सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स भी बेच डाले। किस्मत से 23 सितंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने ISS प्रोजेक्ट के लिए SpaceX को चुन लिया है। एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें $1.6 बिलियन दे रही थी। उस वक्त मस्क किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, मस्क खुशी से रो पड़े। एलन मस्क खाली हाथ अमेरिका आए थे। उन्होंने अपना एक बच्चा खोया था। उनका तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना था। वे अपनी सभी कंपनियों से हाथ धोने के कगार पर थे। उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी, लेकिन एलन मस्क बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकलकर बाहर आए। जैसा कि उनके एक दोस्त का कहना था, जो उसके साथ 2008 में हुआ, कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता, मगर एलन मस्क ने न सिर्फ इसे सहा बल्कि वे मेहनत करते रहे और अपने मजबूत इरादों पर डटे रहे। अध्याय 9, लिफ्ट ऑफ। अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल, जिसका नाम फाल्कन 9 था, स्पेस तक पहुंचने के लिए आखिरकार कामयाब रही। वे अलग अलग देशों और कंपनियों के लिए सैटेलाइट लेकर स्पेस में जाता था। ये रॉकेट ISS को सप्लाई भी डिलीवरी करता था। फाल्कन 1 के बाद ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट शिप बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे। सालों तक उसके इंजीनियर्स ने काफी कोशिश की, मगर असफल होते रहे। आज SpaceX महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कंपटीटर्स को पछाड़ कर ये मैदान में डटा हुआ है। बाकी कंपनीज बाहर से मंगाए गए सप्लाईज पर निर्भर रहती हैं, लेकिन SpaceX पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट कीमत भी काफी कम है। मस्क उनके इंजीनियर हमेशा ही SpaceX को और बेहतर बनाने के नए तरीकों को तलाश करने में रहते हैं। उनके बनाए रॉकेट रीयूजेबल हैं, वे धरती पर लौट सकते हैं। इंजीनियर्स ने उसे ऐसा बनाया है कि वे खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। SpaceX इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी से छोटी चीजों पर भी उनका पूरा ध्यान रहता है। मस्क का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वे स्पेस फ्लाइट्स को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सकें। अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद भविष्य में मार्स पर क्लोनीज बनाए जा सके। बाकी की एरोनॉटिक इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है, लेकिन SpaceX अपने रॉकेट्स और स्पेसशिप को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। एलन मस्क साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटे हुए हैं। अध्याय 10, इलेक्ट्रिक कार का बदला। टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सेडान का मॉडल बाजार में उतार दिया था। ये लग्जरी कार पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज पर 300 मील की दूरी तय कर सकती है। इसकी रफ्तार 4.2 सेकंड में 60 माइल पर आवर हो जाती है। इसमें दो टैंक हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 7 लोगों की है।
ऑयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है। इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। मॉडल एस बाकी लग्जरी सेडान गाड़ियों से हर मामले में आगे है। इस कार के अंदर एक 17 इंच का टच स्क्रीन है, जहां से ड्राइवर कार के सभी कंट्रोल्स जैसे स्टीरियो वॉल्यूम, एडजस्टिंग, एयर कंडीशन वगैरह कंट्रोल कर सकता है। इसमें नेविगेशन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसलिए जो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की जरूरत नहीं होती है। इसे चलाने वाले को किसी चाबी या इग्निशन बटन की जरूरत नहीं होती। इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है। ड्राइवर सीधा जाकर मॉडल एस के स्टोर्स में जाकर इसे खरीद सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक कार सीधे आपके घर या ऑफिस या जहां आप चाहें वहां डिलीवरी कर दी जाएगी, क्योंकि इसे ट्यून अप और ऑयल चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। तो मॉडल एस की मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अगर कभी रिपेयर की जरूरत पड़े तो टेस्ला के इंजीनियर आकर इसे खुद लेकर जाएंगे। टेस्ला ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो मॉडल एस के साथ मिलता है। इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके जैसे कि फास्टर रिचार्ज, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि इसके पहले खरीदारों में से एक का कहना है, इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दिया है। ये पहिए पर रखा हुआ कंप्यूटर है। अध्याय 11, एलन मस्क की यूनाइटेड थ्योरी। राइट ब्रदर्स अपने कजन एलन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे। डॉटकॉम बबल के आने से पहले उन्होंने एवर ड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मस्क ने सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी की फील्ड में कुछ करना चाहिए। उस वक्त तक सोलर पैनल खरीद कर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल काम था, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी। राइव भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपेटेबल है कि नहीं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास इम्प्लाइज की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पे दिया जा सकता था। मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनके पास कंपनी के 30% हिस्सा था। 6 साल बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन की शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे। साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन तक पहुंच गई थी। मस्क ने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड 1 साल तक पूरी की जा सकती है। इसका तरीका ये था कि बैटरी पैक्स को रिचार्ज रखा जाए, जिन्हें रात के समय बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए। साल 2014 में ये सब मुमकिन कर दिखाया। 3 कंपनियों ने अलग अलग फील्ड्स में अपनी शुरुआत बेहद मामूली तरीके से की, जब इन्हें कोई भी नहीं जानता था। मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुई। साल 2025 में टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। फ्यूचर में SpaceX वीकली फ्लाइट्स से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस में भेज सकता है।
इसके रियूजल रॉकेट्स मून के चक्कर लगाकर धरती पर वापस उसी लोकेशन पर लौट आया करेंगे जहां से लॉन्च हुए थे, और मून के बाद स्पेस एक्स की अगली मंजिल होगी मार्स। एलन मस्क की यूनाइटेड फील्ड थ्योरी ये है कि उनकी सभी कंपनियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनकी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती है, टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें सोलर सिटी बेचती है, स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्शन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर नॉलेज शेयर करती है। तीनों ही कंपनियां मस्क के भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती हैं। वे इंसानियत के लिए एक ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कभी खत्म न हो सके। एलन मस्क के जीवन में कई मुश्किल घड़ियां आई। बचपन में उन्हें स्कूल में परेशान किया गया, उसके पिता के साथ उसका रिश्ते में खटास भरा रहा, अपने पहले बच्चे की मौत का सदमा उन्हें झेलना पड़ा, उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई। इस तरह उन्होंने ज्यादातर खोया ही था, उनकी कंपनियां बर्बाद होते होते बची थी। प्रेस उनकी निजी जिंदगी और कंपनियों की नाकामी को लेकर हमेशा उन्हें बदनाम करता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद एलन मस्क ने हार कभी नहीं मानी। वे अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। मस्क वीकेंड्स पर भी काम करते थे और यही वे अपने एम्प्लॉइज से भी चाहते थे। एक ऐसा वक्त भी आया जब वे तलाक के बाद जस्टिन के साथ साउथ अफ्रीका घूमने गए। वहां उन्हें मलेरिया हो गया और उन्हें 10 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। इस बारे में मस्क ने कहा, मैं मरते मरते बचा हूँ। छुट्टियों के बारे में मेरा यही विचार है कि छुट्टियां जानलेवा हो सकती हैं। दोस्तों, ये बुक एशली वानसे ने लिखी है। इसे पब्लिश किया है हार्पर कोलिंस यंग रीडर्स एड एडिशन ने। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है और हमारा ये समरी बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम रीडर को मोटिवेट कर सकें ये बुक खरीदने के लिए। दोस्तों, ये थी बुक जो बायोग्राफी लिखी गई है एलन मस्क के ऊपर। आप ये ऑडियो बुक सुन रहे थे अनिल के कुमार इम्प्रिंट के द्वारा। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों तक जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थी बुक जो बायोग्राफी लिखी गई है एलन मस्क के ऊपर। आप ये ऑडियो बुक सुन रहे थे अनिल के कुमार इम्प्रिंट के द्वारा। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों तक जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।